वेलकम बैक क्लास। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। हमारा थर्ड वर्ड प्रॉब्लम ना बेटा, इसके ठीक प्रीवियस वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 पर ही बेस्ड है। बस उसमें एक और इजी काम हमको करके दिया है, क्या वो मैं आपके लिए रीड करता, ध्यान से सुनना। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर is 765। यहां पर बच्चा उन्होंने हमें मल्टीप्लाई करके आंसर ही दे दिया है सीधा। पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने वन नंबर दिया था और हमने फाइंड किया था अदर नंबर, करेक्ट। इस सब में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने क्या बोला है, इस बार हम आपको मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहे हैं, आंसर। इसीलिए उन्होंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765। डायरेक्टली आंसर दिया है तो हम भी खुश हैं भाई, अच्छा है, हमारी मेहनत बच गई। तो वी विल बी राइटिंग हियर प्रोडक्ट or given numbers is equal to 765, correct? उन्होंने आपको product यानी कि multiply करके direct answer दे रखा है और अब question turn करता है and they say if the HCF is 3, अगर HCF that is highest common factor is 3, अगर HCF 3 है बेटा तो you have to find LCM। इस सब में उन्होंने हमारे लिए LCM ही गायब कर दिया है। प्रीवियस सम में उन्होंने LCM दिया था, HCF दिया था और एक नंबर दिया था और उसको सॉल्व करके हम लोगों ने यहां पर 144 लाया था जो हमारा आंसर का दूसरा नंबर था, करेक्ट। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने क्या बोला, आपने पहले बहुत लेंथी सम सॉल्व किया है ना, तो अब इसको शॉर्ट कर देते हैं। और उन्होंने शॉर्ट में क्या किया, उन्होंने बोला आप सीधा प्रोडक्ट डायरेक्ट आंसर लिखो। और क्या आंसर लिखना, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 765। तो वी गॉट हैप्पी, चलो अच्छा है, नंबर भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट ये डाल के दिया उन्होंने, रुको रुको रुको, एचसीएफ हम देंगे, एलसीएम आप नहीं देंगे। अब आप जानते हो जहां पर एचसीएफ, एलसीएम और प्रोडक्ट ये तीनों वर्ड आ जाते हैं तब हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद आता। तो अब हम उस फॉर्मूले को याद करें, ओके। वी बिगिन, आप लिखोगे लेट कॉमा एल सी एम बी आर। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो अपनी मर्जी का, इट शुड बी स्मॉल, क्लियर। अब हम लोग बेटा फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था, HCF multiplied by LCM is equals to product of given numbers, correct? हमने यही सीखा था formula, correct? अब बेटा HCF, HCF कितना है आपका 3। So we will write here 3 multiply LCM। आपको LCM नहीं पता तो उसकी प्लेस पे मैंने दिया है R। आप कोई भी अल्फाबेट अपनी मर्जी का ले सकते हो। Is equal to product of given numbers। इस सब में हमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिया है, हमें कुछ नहीं ढूंढना है, यानी कि टेंशन को लेना ही नहीं है कि सर 765 कौन से दो नंबर, छोड़ो ना, अपने को क्या, अपने को आंसर दिया है ना, अपन उसी में खुश है।
So we will write here 765. Now beta, wohi logic, that is a number multiplied with a variable always becomes the denominator. R is equal to 765 upon 3. अब आप जानते हो 3 एक प्राइम नंबर है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, खाली रफ कॉलम में जाकर इसे डिवाइड करना है. 7, 6, 3, 2, 6, brought down, 7 minus 6, 1, 3, 5 are 15, 5, brought down, 6 minus 5, 1, 3, 5 are 15, remainder 0, so correct answer hoga beta 3, 1 is 2, 55 are. Therefore, R is equals to 255. और ये correct pattern है algebra में. आप इस answer को दे देंगे box. Correct? Since it is a word problem, so you will be writing answer LCM will be 255. Simple. हो गया. Easy था. Because previous sum में हमें LCM भी दिया, HCF भी दिया, और एक number देकर इस सब में ऐसा कोई झंझट पानी नहीं था. फटाफट से वैल्यू लगाया, डिवाइड किया और आंसर आ गया. क्यों? बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट बोला था दिस टाइम वी आर गिविंग यू द प्रोडक्ट. आप खुशियां मनाओ क्योंकि आपका पहला सम राइट आ गया था, तो इस सम में आपको बोनस देते हैं और आपको प्रोडक्ट ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं. हेंस योर वन मोर वर्ड प्रॉब्लम कम्स टू एन एंड.